हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एरी और आप देख रहे हैं एरी इन जर्मनी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जर्मनी में डॉक्टर्स कैसे ढूंढने हैं और अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। अगर आप मेरे चैनल पे अभी फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं जर्मनी में रहती हूं और जर्मनी रिलेटेड यूट्यूब वीडियोस बनाती हूं। सो मैंने ऑलरेडी कई सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट कर लिया है और अभी मेरी कुछ टूटी फूटी सी हालत हो रही है क्योंकि मैंने डेंटल सर्जरी कराई है। मैंने अपने विजडम टीथ निकलवाए हैं इस साइड के दो, तो मैंने सोचा जब मैंने जनरल डॉक्टर को दिखा दिया है, डेंटिस्ट को दिखा दिया है और डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया है क्योंकि जर्मनी आने के बाद मेरा बहुत हेयर फॉल हो रहा था, तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर देती हूँ कि क्या क्या मिस्टेक्स मैंने किए ताकि वो आप रिपीट ना करें। तो जर्मनी में सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट होता है, इसके ऊपर इन डिटेल वीडियो मैं कभी और बनाऊंगी। आज मैं आपको बता देती हूँ कि डॉक्टर्स कैसे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं डॉक्टर्स के यहाँ। तो आपके पास या तो प्राइवेट इंश्योरेंस होगा या फिर पब्लिक इंश्योरेंस होगा। दोनों के अपने अपने कार्ड आते हैं जिसके ऊपर पर्सनल डिटेल्स मेंशन होती हैं। कुछ कार्ड्स में चिप लगी होती है और आपकी फोटोग्राफ होती है, कुछ कार्ड्स में वो नहीं होती हैं, बस आपके नाम और एड्रेस डिटेल्स वगैरह दिए होते हैं। कुछ लोग पब्लिक और प्राइवेट इंश्योरेंस अगर लेते हैं तो उसके साथ एक सप्लीमेंट्री इंश्योरेंस भी लेते हैं ताकि कुछ गैप्स जो वो उनका उनकी इंश्योरेंस कंपनी वो चीज़ें कवर नहीं कर रही होती है तो एड ऑन की सर्विसेज रहती हैं। अदरवाइज 14.6% मैं देती हूँ अपने पब्लिक इंश्योरेंस में हर मंथ अपनी सैलरी से। तो अब देख लेते हैं कि डॉक्टर्स कैसे बुक करना है। सो अगर आपको किसी स्पेसिफिक डॉक्टर का ही मेरा एक्सपीरियंस देखना है तो आप टाइम स्टैम्प दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, उस पर क्लिक करेंगे वहीं से वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। और डॉक्टर्स बुक करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक हाउस आर्ट होना चाहिए। हाउस आर्ट मतलब कि एक फैमिली डॉक्टर। तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने मेंशन किया है 5 things टू डू आफ्टर कमिंग इन जर्मनी। तो जब आप वो 5 चीज़ें कर लो तो मैं आपको ये रिकमेंड करती हूँ कि आप हाउस आर्ट्स भी रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि मैंने ये नहीं किया था। मैं ये सोच रही थी कि मतलब मुझे पता था कि करना है बट ऐसी थोड़ा केयरलेसनेस में मैंने अवॉइड किया। उसकी वजह से प्रॉब्लम तब हुई जब मुझे कोविड हुआ और मैं हाउस आर्ट्स ढूंढ रही थी, बट हाउस आर्ट ढूंढना बहुत ही मुश्किल का काम था क्योंकि ऑलरेडी कहीं पे कोटा उनका फिल हो चुका था तो वो नए पेशेंट्स नहीं ले रहे थे। तो मतलब बहुत मेहनत थी, तो इससे पहले कि मेहनत इतनी ना करनी पड़े आप अपना हाउस आर्ट्स रजिस्टर कर लीजिए। हाउस आर्ट रजिस्टर करने के लिए डॉक्टर कैसे ढूंढे उसकी मैं आपको 5 बता रही हूँ। सो पहला आपको गूगल पे जाके हाउस आर्ट्स नियर मी लिखना है और आपके पास कई एक लिस्ट आ जाएगी गूगल पे। आप वहाँ पे फ़ोन करके उनसे पूछ सकते हैं कि आपको रजिस्टर करवाना है हाउस आर्ट्स, तो आप वहाँ पे कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप विज़िट भी कर सकते हैं उन सब जितनी भी क्लिनिक्स और प्रैक्सिस हैं, वहाँ पे जाके आप बात कर सकते हैं कि आप नए हैं जर्मनी में, आप यहाँ पे रहते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आपके आसपास के ही जितने जनरल फिजिशियंस हैं आप उनको पहले टारगेट करें। दूसरी वेबसाइट है 116117.de, ये इमरजेंसी एक वेबसाइट है। यहाँ पे एक डॉक्टर सर्च का एक फ़िल्टर ऑप्शन होता है जहाँ पे आप डाल के अपनी प्रॉब्लम जिस भी डॉक्टर को आपको ढूंढना हो, आपको दांत के लिए ढूंढना हो, आपको जनरल फिजिशियन ढूंढना हो, वो सब भी डिटेल्स मिल जाती हैं। बट आपको हाउस आर्ट्स ढूंढना है तो आप जनरल फिजिशियन देखिए, वहाँ पे उनका ईमेल एड्रेस आ जाता है और फ़ोन नंबर आ जाता है। तो इधर आप कॉल करके पूछ लीजिए या फिर आप ईमेल करके उनसे अपॉइंटमेंट ले लीजिए कि आपको हाउस आर्ट्स रजिस्टर कराना है, आप चाहते हैं कि आपका कोई फैमिली डॉक्टर बने। थर्ड और फोर्थ एक वेबसाइट है जो कि मैंने पर्सनली यूज़ की है, उसका नाम है डॉक्टोलिब और यमेडा। यमेडा मतलब कि यहाँ पे जे को या बोलते हैं, तो जमेडा वेबसाइट है। वहाँ पे जाके आप फ्री में दोनों वेबसाइट पे रजिस्टर कर सकते हैं, अपनी आईडी बना सकते हैं। वहाँ पे भी लैंग्वेज का ऑप्शन होता है कि आपके डॉक्टर ये लैंग्वेज बोलते हैं, आप फिल्टर डाल दीजिए। आपको किस डॉक्टर को कंसल्ट करना है वो भी आप वहाँ पे ढूंढ सकते हैं, बट जनरल फिजिशियन आपको ढूंढना है। सो डॉक्टोलिब और यमेडा वेबसाइट पे आपको या तो आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, या फिर आपको बिना कुछ करे ऑनलाइन बुकिंग करनी है तो अपने डिटेल्स डालनी है, आपका कौन सा इंश्योरेंस है, आपका प्राइवेट इंश्योरेंस है या फिर पब्लिक इंश्योरेंस है, आपको वो मेंशन करना है और ऑटोमेटिकली बुकिंग हो जाती है। लास्ट और फिफ्थ ऑप्शन है अपनी ही इंश्योरेंस कंपनी को कंसल्ट करना। जैसे मेरी इंश्योरेंस कंपनी की जो वेबसाइट है वहाँ पे एक फॉर्म फिल करना होता है कि मेरे आँख में दर्द है या मेरे सर में दर्द है तो मुझे ऐसा डॉक्टर चाहिए, इतने किलोमीटर के रेंज में होना चाहिए, तो मैं वो भी फिल कर देती हूँ। और जो कस्टमर सपोर्ट होता है वो मुझे 3 में या फिर 2 में रिवर्ट बैक करता है कि आपकी फलाना फलाना डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी है और आप वहाँ पे जाके इतने बजे जाके विजिट कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं।
तो जैसे ही अपॉइंटमेंट लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कहीं भी विजिट करने से पहले, वैसे ही अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो ये ट्राई कीजिए कि नो शो वाला केस ना हो। मतलब आप या तो ईमेल कर दीजिए उस प्रैक्सिस को, या फिर आप फ़ोन करके बता दीजिए, या फिर आप इन वेबसाइट्स पे जहाँ पे आपने बुकिंग की थी वहाँ पे कैंसिल अपॉइंटमेंट पे ज़रूर क्लिक कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही निगेटिव हो जाता है और वो यहाँ पे जर्मन्स को भी और नॉर्मल अच्छे वे में नहीं लिया जाता है, तो प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिएगा। सो ये 5 तरीके थे डॉक्टर ढूंढने के, अपने हाउस आर्ट को रजिस्टर करने के, और आप इन 5 तरीके से अपने लिए डॉक्टर ढूंढ सकते हैं जर्मनी में। आई रियली होप कि आप में से कोई बीमार ना पड़े, बट अगर बीमार पड़ने की सिचुएशन आ जाती है तो मेरे जितने भी एक्सपीरियंस रहे हैं वो आपको आपके काम आए। तो पहले मैं बताऊंगी, वहीं से स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले जब मुझे डॉक्टर की ज़रूरत पड़ी, जब मुझे कोविड हुआ, तो डॉक्टर ढूंढने के लिए मैंने क्या किया था, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बोला था कि डायरेक्टली विज़िट कर जाओ, तो मास्क वास्क लगा के एक दो जो प्रैक्सिस मेरे आसपास है मैंने विज़िट किया कि मुझे बुखार है बाहर करके, तो उन्होंने बोला कि हम न्यू पेशेंट्स नहीं ले पाएंगे, वी आर ऑलरेडी फुल। तो मैंने फिर यमेडा और डॉक्टर लिप यहाँ पे भी ढूंढना तब से स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जो 116117.de वाली वेबसाइट है वो बहुत ही यूज़फुल निकली, मैंने अपना ही वहाँ पे रेंज डाल दिया और एक तरफ से कॉल करना स्टार्ट किया उन डॉक्टर्स को जो कि इंग्लिश बोलते हैं। तो मेरे थर्ड ही डॉक्टर अटेम्प्ट जो है वो सक्सेसफुल हो गया, और डॉक्टर ने अगले ही दिन बुला लिया। और फिर जब मैं क्लिनिक गई वहाँ पे मेरा उनके पास सेटअप था, वहाँ पे टेस्ट हो गया, उन्होंने बोला कि 2 दिन तक कहीं मत जाना जब तक रिपोर्ट ना आ जाए, आपको घर पे रहना है, क्वारंटीन रहना है। तो फिर डॉक्टर ने पर्सनली फ़ोन किया, क्योंकि जो वहाँ पे उनकी रिसेप्शनिस्ट हैं उनकी इंग्लिश उतनी फ्लुएंट नहीं है, बट अभी भी जब मैं टर्मिन लेने के लिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करती हूँ तो उन्हीं रिसेप्शनिस्ट से बात होती है और उतना वो समझ जाती हैं इंग्लिश, और उतना मैं जर्मन में भी बात कर लेती हूँ कि एटलीस्ट मुझे डेट टाइम डे पता चल जाए कि कब मेरी अपॉइंटमेंट है। तो डॉक्टर ने मुझे कॉल किया, बताया कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और मेडिसिंस लेने कल आप आ जाना। तो तब तक मेरी डोलो स्टार्ट हो गई थी जो मेरे पास रखी हुई थी। फिर जब वहाँ पे डॉक्टर के यहाँ गए तो उन्होंने एंटीबायोटिक नहीं दिया, बस पैरासीटामोल प्रिस्क्राइब की। प्रिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने एक प्रिस्क्रिप्शन दिया, पिंक स्लिप पे लिखा हुआ था। सो डॉक्टर जब आपको प्रिस्क्रिप्शन दे देता है जो कि एक पिंक स्लिप में मिलता है, आपको एक को पेमेंट देनी होती है कुछ 5 यूरो या 10 यूरो की। तो एक बार मैंने 5 यूरो पे किया था मुझे जितना याद है पैरासीटामोल के लिए, और उसके साथ कोई एंटीबायोटिक वगैरह नहीं मिली थी, क्योंकि यूरोप के रूल के हिसाब से यहाँ पे एंटीबायोटिक्स अलाउड नहीं है जब तक कि आपका कोई प्रॉपर आपकी कोई बीमारी नहीं डिटेक्ट होती है, या फिर आपका कई बार कुछ ऐसा टेस्ट होता है जिसको 2 बार जब तक वो प्रूव नहीं होता तब तक एंटीबायोटिक स्टार्ट नहीं करते हैं। तो मुझे बिना एंटीबायोटिक के कोविड में पैरासीटामोल खानी पड़ी, और इंडिया के डॉक्टर से कंसल्ट करके मैंने यहाँ पे खुद से ही विटामिन डी और जिंक स्टार्ट कर दी थी, बाकी फ्रूट्स वगैरह मैं ले रही थी। उतना बहुत ही ज़्यादा सीरियस नहीं था, बस ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी, अब तो वो भी सही हो गई है, तो मैं पैरासीटामोल से ही सही हो गई घर पे ही। जब 14 डेज़ हो गए तो डॉक्टर ने कोई नेगेटिव टेस्ट नहीं कराया, उन्होंने बस मुझे ये बोला कि तुम्हें वैक्सीन नहीं लेनी है नेक्स्ट 6 मंथ्स तक, क्योंकि मेरी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबायोटिक्स जनरेट हो गई हैं, तो वैक्सीनेशन जर्मनी में तब तक स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने वेट किया 6 महीने तक, और फिर अब जाके मैंने वैक्सीन लगवाई है जब 6 महीना हो गए हैं। तो जैसे मैंने बता चुकी हूँ मैं ऑलरेडी कि मेरा पब्लिक इंश्योरेंस है, वैसे जिनका प्राइवेट इंश्योरेंस होता है उनको रिम्बर्समेंट मिल जाती है। तो ऐसे में जब आप डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेकर आते हो, आप दवाई खरीदते हो, तो आप खुद पे करके आते हो उन दवाई का, बाद में आपको वो इनवॉइस अपलोड करनी होती है। एप्लीकेशन तो मोबाइल में हो उसमें कर सकते हैं, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं जैसे भी आपके इंश्योरेंस प्रोवाइडर बोलते हैं, और फिर आपके पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं आपके अकाउंट में, वापस रिम्बर्स हो जाते हैं। देन जब कोविड हुआ तो मुझे ऑफिस में भी मेरी नो शो था, तो फिर मुझे उसके लिए भी 3 पिंक स्लिप मिली थी। पिंक स्लिप क्या होती है, उसको आप बोल सकते हैं कि लीव के लिए होती है, एक आपके ऑफिस के लिए मिलती है, एक आपके इंश्योरेंस के लिए मिलती है, और एक कॉपी आपकी खुद की होती है। तो एक ईमेल करना होता है स्कैन करके ऑफिस वालों को, दूसरा आपको अपने मोबाइल एप्लीकेशन है मेरा तो इंश्योरेंस का टीके का, उसके अंदर मैं अपलोड कर देती हूँ कि मैं इतने से इतने दिन तक बीमार थी, क्रांक थी, तो ये मेरी डेट्स हैं और ये रही स्लिप, उस पर बारकोड होता है, वो स्कैन हो जाता है। थर्ड कॉपी मैं अपने पास रखती हूँ। तो जर्मनी में जैसे रूल है कि 2 दिन से ज़्यादा, वैसे मेरे ऑफिस में मुझे अभी बाद में पता चला कि अगर आप 1 दिन भी बीमार हो रहे हो तब भी वो पिंक स्लिप देनी होती है, सिक नोट देनी होती है। तो अगर सर दर्द भी हो रहा है कभी आपको लग रहा है कि नहीं, तो वो
आप ऑफिस में बोल दो उससे को, और अपने हाउसवाइफ्स को आप कॉल करके बोल सकते हो कि मेरी तबीयत खराब थी, ये थी, तो फिर वो आपको बुला के वो पिंक स्लिप दे देंगी। तो नेक्स्ट मेरा एक्सपीरियंस है डर्मेटोलॉजिस्ट का। तो जर्मनी आने के बाद कुछ हेयर फॉल की प्रॉब्लम मैं देख रही थी, बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मैं थोड़ा कंसर्न थी। फिर मैं चाहती थी कि देखूं, तब मैंने ये गलती कर दी कि जिस प्रैक्सिस में मैंने अपॉइंटमेंट ली वो एक प्राइवेट प्रैक्सिस थी, तो मेरी कंसल्टेशन फ़ीस तो नहीं लगी, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि जो मेडिसिन उन्होंने प्रिस्क्राइब की है उसका कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया उन्होंने, मतलब जो पिंक स्लिप पे मिलता है पब्लिक इंश्योरेंस वालों को वो नहीं मिला। तो मुझे ये नहीं ऑप्शन मिला कि मैं को पेमेंट दे के सस्ते में दवाई ले लूँ, मुझे पूरा ही जो उन्होंने दवाई दी थी, जैसे विटामिन सिरप दिया था, शैम्पू दिया था, और एक विमेन की मल्टी विटामिन की एक बॉटल दी थी कि हो सकता है कि आपका वेदर चेंज हुआ हो और खान पान थोड़ा चेंज हुआ हो तो इसलिए हेयर फॉल हो रहा हो, या फिर सीजनल हेयर फॉल भी होगा, तो विटामिन्स लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक महीना विटामिन का वो सिरप चला था, उसके बाद कंटिन्यू करना था मल्टी विटामिन। तो मैंने ये वेबसाइट पे जाके उस प्रैक्सिस की बुक की थी डर्मेटोलॉजिस्ट की, और मैं किसी के थ्रू नहीं गई थी, या फिर मैंने कोई पब्लिक प्रैक्सिस नहीं ढूंढा था जो गवर्नमेंट वालों की होती है, तो मुझे वो पेमेंट करनी पड़ी सारी दवाइयों की। तो ये एक गलती मेरे से हो गई थी। आपको नेक्स्ट टाइम करना हो तो आप पहले से मेंशन करके पूछ लीजिएगा कि प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जिसके लिए आपको पे ना करना पड़े या कम से कम को पेमेंट देनी पड़े। तो बालों के लिए एक और टिप देती हूँ कि मैंने अपने वॉशरूम का, मतलब कि बाथरूम का जो शावर हेड होता है, उसको एक फ़िल्टर वाले से चेंज कर लिया है। तो अगर आपको भी कुछ बालों में प्रॉब्लम लग रही है, या आपके यहाँ बहुत मोटा पानी आता है, या खारा पानी आता है, या बहुत ही अजीब से एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर, बहुत ही हैवी वाटर होता है, तो उससे वो पानी छन के ही आप यूज़ कर सकते हो नहाने के लिए। उसकी लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, और बहुत ही अफोर्डेबल है, तो आप खरीद सकते हैं और उसको इजीली आप अपना चेंज कर सकते हैं शावर हेड। तो नेक्स्ट एक्सपीरियंस मेरा रहा है डेंटिस्ट के पास। डेंटिस्ट के पास मैं बहुत पहले ही चली गई थी कोविड के बाद, जिसमें जब मुझे पता चला कि टीके में साल में 2 बार फ्री का डेंटल चेकअप मिलता है, तो मैंने सोचा काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ पे नहीं चेक कराया है, तो मैं डॉक्टर के पास गई। वहाँ पे मैंने उनकी वेबसाइट पे ही अपॉइंटमेंट लिया था, मुझे वहाँ पे जाके उन्होंने फ्री कंसल्टेशन दिया, उन्होंने एक्सरे किया पूरे मेरे उसका दांत का, जॉ का, और तब जब डॉक्टर से कंसल्ट किया उन्होंने बताया कि मेरे जो चारों विजडम टीथ हैं वो अलाइंड नहीं है, मतलब एक तो सोया हुआ था जो कभी निकलता ही नहीं, वो आधा जॉ के अंदर था और आधा बाहर था, बाकी जो है डिस्प्लेस थे थोड़े थोड़े। तो डॉक्टर ने बोला कि चारों निकलवाने पड़ेंगे। उस डर से मैं दोबारा गई नहीं एक्सट्रैक्शन के लिए, कि जब कभी दर्द होगा फिर देखा जाएगा। सिर्फ एक माइनर कैविटी थी वो मैंने फिल करा ली थी, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे हुई कि जब वो उन्होंने अपॉइंटमेंट दी, फर्स्ट टाइम जब गई तो खाली चेकअप हुआ, सेकेंड टाइम बुलाया उन्होंने कैविटी के लिए, तो कैविटी की अपॉइंटमेंट से पहले उन्होंने मुझे एक इनवॉइस भेज दी थी ईमेल पे। तो जब मैं कैविटी वाले दिन गई अपने अपॉइंटमेंट वाले दिन, उनसे मैंने पूछा कि ये 100 या 150 यूरो की किस बात की अपॉइंटमेंट है, तो उन्होंने ऐड कर रखी थी प्रोफेशनल क्लीनिंग, जो कि मेरा पब्लिक इंश्योरेंस कवर नहीं करता है, उसके कुछ 200 यूरो थे। फिर उसके बाद कुछ जो कैविटी थी कि ये कैविटी से फिल किया जाएगा जो भी अंदर फिल करते हैं दांतों में, तो उसके कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे इंडिया में सिल्वर होता है, सेरामिक होता है, सीमेंट होता है, वैसे यहाँ पे भी कई सारे ऑप्शन थे। तो जो पब्लिक इंश्योरेंस वाले फ्री देते हैं वो सबसे बेसिक होता है, बट ये डॉक्टर ने जो इनवॉइस पे चार्ज कर रखा था वो थोड़ा एक्सपेंसिव वाला था, जो मेरा इंश्योरेंस कवर नहीं कर रहा था, बहुत ही छोटा पार्ट कर रहा था। तो जब मैंने क्वेश्चन रेज किया कि इतने सारी चीज़ें क्यों हैं, तो फिर उन्होंने मुझे समझाया, देन मैंने प्रोफेशनल क्लीनिंग हटवाई और उनसे बोला कि फिलिंग आप कर दो जो माइनर फिलिंग है, बट बेसिक करो जो मेरा इंश्योरेंस कवर कर रहा है। तो वो उसके लिए भी तैयार हो गए, वो बोले कि हाँ हम कर देंगे। देन उस केस में मेरे पास कोई इनवॉइस नहीं आई, मुझे कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना था और मैं फिलिंग करा के वापस आ गई। लेकिन जब उन्होंने मुझे थर्ड डे की अपॉइंटमेंट दी थी कुछ दिन बाद की, कि आप अपने चारों में से कुछ दांत निकलवा लो, या फिर चारों चाहते हो तो चारों निकाल देंगे, तो मैं डर के मैं कभी नहीं गई दोबारा। लेकिन पिछले हफ्ते ही अचानक से बहुत मेरा ऊपर वाला ये जो दांत है वो चीक्स में जाने लगा था, बहुत पेन स्टार्ट हो गया था, तो मैंने वापस से डॉक्टर को
उनको ईमेल डाला कि मेरा दांत, मैंने अपनी लास्ट अपॉइंटमेंट कैंसिल की थी क्योंकि मैं बहुत डर गई थी, लेकिन ये दांत का दर्द मेरा 2 दिन से कंटिन्यूसली हो रहा है और वो सही नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ मुझे चेकअप कराना है। जब मैं गई तो मैंने तब तक अपना माइंड प्रिपेयर कर लिया था कि सर्जरी हो ही जाएगी, तो सिंस वो मेरे डॉक्टर थे, उन्होंने मैंने ऑलरेडी देख रखा था, उन्होंने भी यही सजेस्ट किया कि अगर तुम अभी चाहती हो तो मैं अभी कर देता हूँ, उसको एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। मैंने सोचा जब एक नीचे वाला भी उसी तरफ है तो ऊपर वाला भी निकाल दीजिए, नीचे वाला भी निकाल दीजिए। तो मैंने 2 दांत अपने पुल करवाए, उसके बाद अभी मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, स्टिचेस लगे थे 4, 2 ऊपर 2 नीचे, 1 हफ्ते बाद वो हटे हैं, और जो मूवमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बट उन्होंने बोला है प्रैक्टिस करने को, जैसे च्युइंगम खा सकती हूँ मैं प्रैक्टिस करने के लिए, और धीरे धीरे उस टाइम तो 1 हफ्ते तक जब तक स्टिचिंग थी और सर्जरी हुई थी तो मैं लिक्विड डाइट पे थी, तो मैं कुछ इतना सॉलिड खा नहीं पा रही थी, लेकिन अब सॉलिड खाते टाइम मुझे बहुत पेन होता है, तो डॉक्टर ने ये भी सजेस्ट किया है कि या तो मैं पेन वाली मेडिसिन खा लूँ खाने से पहले और फिर प्रैक्टिस करूँ च्यू करने की। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस पूरा डेंटल का। तो जब दांत वात निकल गया है तो अब थोड़ा रिलीफ तो लग रहा है क्योंकि ऐसा पेन नहीं हो रहा है, बस खाने में प्रॉब्लम हो रही है और थोड़ी स्पीच मेरी सी थोड़ी सी अलग हो गई है, बट वो धीरे धीरे सही हो जाएगी जैसे ही मेरा ये जो घाव है वो फिल होंगे। एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि जब मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि मेरा ये विजडम टीथ एक्सट्रैक्शन हुआ है, तो कई लोग मेरे से पूछ रहे थे कि दर्द कितना हुआ था, तो लोकल एनेस्थीसिया दिया गया था ऊपर नीचे और चीक्स में, और डॉक्टर ने हार्डली 20 मिनट्स में ही एक्सट्रैक्शन कर दिया था और उसको टाका भी लगा दिया था। तो जब वो डॉक्टर पुल कर रहा था दांत, तब मुझे थोड़ा सा बहुत इंटेंस प्रेशर लग रहा था, दर्द लग रहा था, और जब मैं उन्होंने जब टाका लगाया तो बिल्कुल दर्द नहीं किया, लेकिन 1 हफ्ते बाद जब मैं उसको स्टिचेस निकलवाने गई तो हल्का सा पेन बस महसूस हुआ था, और स्टिचेस निकलवाने के लिए आपको एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता है, वो बस कट करके निकाल देते हैं। फिर बस यही था कि जब ऑपरेशन वगैरह करा लिया तो ब्लीडिंग हो रही थी, तो डॉक्टर ने बोला था कि कॉटन पट्टी का मुझे दे रखा था एक छोटा सा बॉल टाइप का, उसको च्यू करने के लिए और 30-30 मिनट्स में चेंज करने के लिए, जब तक कि मतलब कोएगुलेशन ना हो जाए और ब्लड रुक ना जाए। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। डर लग रहा था इनिशियली में, लेकिन जब सुई वुई लग गई, एनेस्थीसिया लग गया, बहुत अजीब सी फीलिंग होती है, लगता है कि आपका सब चीज़ यहाँ पे बलून जैसा बन रहा है, बट रियल में जब शीशे में देखो तो फेस एज इट इज़ रहता है। तो ये थोड़ा नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और हाँ, जब डेंटल जब मेरा वो फिलिंग भी हुई थी तब भी उन्होंने लोकल एनेस्थीसिया दे के ही फिलिंग की थी, उन्होंने बोला था कि जो ड्रिलिंग करते हैं वो बहुत अनईजी होता है, तो इसलिए हम लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं जिसका इफेक्ट 4 से 5 घंटे तक रहता है। तो ये था मेरा ओवरऑल डेंटिस्ट का एक्सपीरियंस। और नेक्स्ट जो मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ वो वैक्सीनेशन का है। तो जैसे डॉक्टर ने बोला था कि 6 महीने तक वैक्सीनेशन नहीं लगानी है, मैंने खुद जाके ही ऑनलाइन जो रीजनल वेबसाइट है यहाँ पे हेसन की स्टेट की, वहाँ पे जाके अपना फॉर्म फिल कर दिया था। मेरी डेट आ गई थी कि इस तारीख को आपको पहली वैक्सीन लगेगी, इस तारीख को आपको सेकेंड वैक्सीन लगेगी, लेकिन जब मैं फर्स्ट वैक्सीन वाले दिन गई मैं अपना रिकवरी सर्टिफिकेट ले गई थी, सारी डिटेल्स ले गई थी, और बहुत ही अच्छे से ही अरेंजमेंट था यहाँ पे, हर पॉइंट पे आपका फॉर्म चेक हो रहा था, आपसे पूछा जा रहा था कि आज कोई फीवर तो नहीं है, बुखार तो नहीं है, आपकी एंट्री के टाइम ही बुखार चेक हो गया था। फिर आगे डॉक्टर से जब कंसल्ट किया, मतलब स्टेजेस थे, तो वैक्सीन लगने से पहले आपको एक डॉक्टर आपसे 1-to-1 बात करता है, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश में बात करता है, नहीं तो आप जर्मन में भी बात कर सकते हो। तो मैंने इंग्लिश प्रेफर्ड ही किया था मैंने अच्छे से, ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। तो उन्होंने बताया कि सिंस मुझे ऑलरेडी कोविड हो चुका है और एंटीबॉडीज़ हैं मेरी बॉडी में, तो एक ही डोज लगेगा। तो उन्होंने मेरे जो येलो कार्ड होता है, सो मैंने सोचा आपको येलो कार्ड भी दिखाई देती हूँ, वो कुछ ऐसा सा होता है, इसके अंदर जो भी वैक्सीन लगी है उसका स्टिकर चिपकाया गया है, और डॉक्टर ने यहाँ पे लिख भी दिया है कि मुझे फेब में कोविड हुआ था तो इसलिए मुझे एक ही वैक्सीन लगेगी, और अपना सिग्नेचर दे दिया है इसके अंदर, साइन कर दिया है। तो ये येलो कार्ड आपको किसी अपोथेके में मिल जाएगा। अच्छा हाँ, वैसे अपोथेके का मतलब यहाँ पे जैसे केमिस्ट इंडिया में स्टोर्स पे लिखा रहता है केमिस्ट, यहाँ पे अपोथेके लिखा होता है, तो आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक मेडिकल शॉप है, यहाँ पे आपको सारी मेडिकल की चीज़ें मिल जाएंगी। ओवर द काउंटर तो कमी चीज़ें मिलती हैं, ज़्यादातर आप प्रिस्क्रिप्शन के साथ जब जाते हैं तभी मिल पाती है। तो ये बुकलेट आप
€3 या €3.5 की वहाँ से भी खरीद सकते हैं। या फिर ये बुकलेट आपको कोविड सेंटर में मिल जाएगी जहाँ पे आप वैक्सीन लगवाने जाते हो, या फिर आपके जो हाउसर्स होते हैं वो भी €3 में वो बुकलेट आपको दे सकते हैं। तो जब मैं अपने हाउसर्स के पास गई थी, उन्होंने मेरे से ये भी पूछा था इनिशियली कि मुझे वैक्सीन कौन कौन सी लग चुकी है इंडिया में। तो अगर आपके पास भी आपका वो शिशु वाला कार्ड होगा तो आपको पता होगा कि क्या क्या आप अपने घर से मंगवा सकते हैं, कि क्या क्या वैक्सीन्स आपको लग चुकी हैं। बट अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको कुछ एक लिस्ट बता देती हूँ कि ये वैक्सीन्स हमें इंडिया में लग चुकी है। मैं 92 बॉर्न हूँ तो 90s बॉर्न के किड्स को ये तो ज़रूर लगी होगी। उसकी मैंने लिस्ट बनाई है क्योंकि लकीली ये कार्ड मम्मी ने रखा हुआ था, तो जब मेरी डॉक्टर ने पूछा तो मैंने उनको बता दिया था कि जैसे टिटनेस 1 लग चुका है, टिटनेस 2 लग चुका है, और उसके साथ साथ जितने भी बूस्टर आते हैं वो भी लग चुके हैं। देन BCG, DPT-1, DPT-2, DPT-3, Polio-1, Polio-2, Polio-3, मीजल्स जिसको खसरा भी बोलते हैं, हेपेटाइटिस बी, उसकी पहली वैक्सीन, सेकेंड वैक्सीन, थर्ड वैक्सीन एंड बूस्टर डोज। तो इतनी वैक्सीन्स हमें इंडिया में लग चुकी है, आप अपने डॉक्टर को यहाँ पे बता सकते हैं। जर्मनी में अगर बाई चांस आपका कभी हाथ वाथ कट जाता है, आपको टिटनेस लगवाना है, या फिर रोड पे आप गिर जाते हो, तो जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तब भी वो ऐसी चीज़ें पूछते हैं। तो जो यहाँ पे वैक्सीन लगाता है डॉक्टर, उस टाइम वो टिटनेस और डिप्थेरिया की होती है, और उसकी वैलिडिटी 10 साल की होती है। मुझे लास्ट टाइम जितना याद है कि इंडिया में जब टिटनेस लगवाते थे तो शायद 1 महीना चलती थी या फिर 1 साल चलती थी, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले लगाई थी। लेकिन यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है, और अभी इंडिया में कितने टाइम के लिए वैलिडिटी है वो मुझे नहीं पता है। तो ये था मेरा वैक्सीनेशन एक्सपीरियंस। तो मुझे लगता है कोविड पे ऑलरेडी इतना बुखार आ चुका था कि जब मैं वैक्सीन लगवा कर आई तो बस हल्का सा दर्द था और फीवर नहीं आया मेरे को। तो मेरे साथ कुछ इतने वर्स सिम्टम्स नहीं हुए आफ्टर इफेक्ट्स वैक्सीनेशन के, और मुझे मॉडर्ना वैक्सीन लगी है जर्मनी में, जिसको मैंने खुद से नहीं ऑप्ट किया। मेरा जब मैंने फॉर्म फिल किया था तो ऑलरेडी उस पर लिखा था कि आपको या तो BioNTech मतलब कि या तो फाइजर लगेगी या फिर आपको मॉडर्ना लगेगी। तो जब जिस दिन मेरी अपॉइंटमेंट थी, जब मैं वहाँ गई, उन्होंने बताया कि आज हम आपको मॉडर्ना लगाएंगे, तो मैंने मॉडर्ना लगवा ली। और उसी टाइम ही मैंने अपनी सेकेंड अपॉइंटमेंट सेकेंड डोज की कैंसिल करा ली थी कोविड सेंटर में। नेक्स्ट, आपका इंश्योरेंस जो है आपको एनुअल हेल्थ चेकअप भी देता है। तो अगर आप पब्लिक इंश्योरेंस यूज़र हो, तो जैसे मैं टीके यूज़र हूँ, तो 3 साल में एक बार आप एनुअल हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। और कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि जब आप 35 इयर्स के हो जाओगे तभी हम आपका एनुअल हेल्थ चेकअप करेंगे, नहीं तो वो अभी नहीं करेंगे। बट मेरी डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि करा सकती हो, तो मैंने करा लिया था। उसके अंदर फुल ब्लड चेकअप हुआ था, यूरिन टेस्ट हुआ था, स्टूल टेस्ट हुआ था, और उसकी बकायदा पूरी रिपोर्ट आई थी। और अगर कोई चीज़ें मिसमैच होंगी या कम ज़्यादा होंगी वो आपको बता देंगे, ये मेडिसिन से। टचवुड, मेरा सब चीज़ सही था। तो ओवरऑल डॉक्टर ने यही बोला कि नेक्स्ट तुम एनुअल हेल्थ चेकअप 3 साल बाद करा सकती हो, उससे पहले नहीं करा सकते। सो अगर आपके पास प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप साल में एक बार ये टेस्ट करा सकते हैं, और सारे पैसे आपके जितने भी होंगे वो रिम्बर्स हो जाएंगे। ओवरऑल मेडिसिंस का मैंने आपको बता ही दिया कि अगर प्राइवेट होता है तो आपको पे करना होता है, और आपकी जो इनवॉइस होती है विजिटेशन की, कंसल्टेशन भी आपके घर पे आती है, वो आपको इंश्योरेंस कंपनी से शेयर करनी होती है। तो वो आपसे 2 ऑप्शन देती हैं कि एक वो ही पेमेंट कर दें, दूसरा आप पेमेंट कर दो और वो आपके अकाउंट में भेज दें। तो जब आप पेमेंट कर देंगे, आप वहाँ पे उनको बता देते हैं, इन्फॉर्म कर देते हैं, आपके रिम्बर्स्ड पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। और पब्लिक इंश्योरेंस में आपका वो चिप होती है कार्ड में, तो जब भी आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं आपको उनके वहाँ पे कार्ड इंसर्ट करना होता है, वहाँ मशीन लगी होती है, तो आपके पास घर पे कोई इनवॉइस नहीं आती है। और जितनी भी रिपोर्ट्स वगैरह होती है, जैसे ब्लड टेस्ट हुआ या कुछ हुआ, तो वो रिपोर्ट्स आप जाके वहाँ पे डॉक्टर के यहाँ कलेक्ट कर सकते हैं। सो हेल्थ इंश्योरेंस का ओवरऑल मैं आपसे यही बोलूँगी कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं तो आप प्राइवेट इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं, मतलब जॉब रिलेटेड और जॉब आपकी परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है, तो फिर आप उस टाइम पे पब्लिक इंश्योरेंस ले सकते हैं। कुछ जगह जो है कैंसर स्क्रीनिंग भी होती है, मतलब वुमेन की भी होती है और मेन की भी होती है, बट उसकी एज लिमिटेशन होती है, 35 से ही होती है, उसके पहले आप नहीं करा सकते, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस जर्मनी में डॉक्टर ढूंढने का, और कैसे डॉक्टर ढूंढें और क्या कैसे वो गलतियां ना करें जो मैंने की थी,
और आपके पास कोई भी क्वेरी हो, आप किसी भी डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे हो, किसी भी प्रैक्टिस में कंसल्ट कर रहे हो, तो आप बिना किसी झिझक से आप उनसे पूछ के क्लियर कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, कुछ ऐसे शर्माने वाली बात नहीं होती है। बाकी मेरा जितना एक्सपीरियंस था मैंने शेयर कर दिया है, और आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।